यार पता है क्या, कुछ चीजें देख के ना मैं बचपन में बहुत फैसिनेट होता था। जैसे कि जब भी मम्मी पापा मेरे को रेस्टोरेंट में ले जाते थे ना, तो वहां पे वो पनीर की सब्जी देख के ना मेरे को लगता था यार ये पनीर कैसे बनता है यार, मतलब इतना टेस्टी। और ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे ही बनता होगा, क्योंकि यूजुअली मेरी मम्मी घर पे पनीर नहीं बनाती थी। एंड आई एम श्योर कि सबके घर में इतना इजीली पनीर नहीं बनता था। जितनी भी पनीर की सब्जियां होती ना, हम सब ने रेस्टोरेंट में ही खाई है। तो मेरे को लगता था यार पनीर तो कितना ही डिफिकल्ट होता होगा। तो आई वॉज सो क्यूरियस टू नो कि यार ये पनीर बनता कैसे। और पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। सलाम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है वनराज, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुकान। और आज हम बनाने जा रहे घर पे बनाया हुआ फ्रेश पनीर। तो आज मैं बनाने जा रहा हूं वो पनीर जिसे खाकर आपने उंगलियां ना चबा ली ना तो मेरा नाम वनराज कर दिया। चलिए तो बनाते हैं पनीर। सो मैंने यहां पर 3 लीटर दूध लिया, इससे तकरीबन 4 लोगों का पनीर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा बनाना है या कम बनाना है तो आप प्रपोर्शन इसके हिसाब से देख सकते हैं। एक सीक्रेट बताऊं, दूध की जितनी आइटम्स होती है ना उसमें घी इज अ मस्ट। सो हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून घी। सो यहाँ पर 3 लीटर दूध में मैंने सिर्फ 1 टीस्पून घी डाला है। ठीक है, अब हम डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही। जी हाँ, दही से क्या होता है कि जब आप दही डालेंगे दूध में तो इससे एक क्रीमी स्ट्रक्चर आएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। हमें दूध को धीमी आंच पर आराम से पूरी फुर्सत से पकाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। वो कहावत नहीं सुनी आपने, सब्र का फल पनीर होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। देखो, नींबू के रस में क्या प्रॉब्लम है कि जब आप पनीर बनाएंगे ना तो जब पनीर बनेगा ना उसमें वो नींबू की खटास थोड़ी सी रह जाती है, वो उसका फ्लेवर रह जाता है। अगर आप नींबू का रस यूज कर रहे हैं पनीर बनाने में तो जैसे ही पनीर बन जाए ठंडे पानी से उसको धो दीजिए। दूध फटना धीरे धीरे शुरू हो चुका है और हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें विनेगर डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दूध फटना शुरू हो चुका है, हमें इसे आराम से फाड़ना है। बाय द वे, क्या आपको पता है कि हम पनीर में अलग अलग फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा फेवरेट है तुलसी के पत्ते। अगर तुलसी के पत्ते आप पनीर में बनते डाल देंगे ना, इट्स अ डिवाइन, ट्रस्ट मी। आप चाहे तो भुना हुआ जीरा भी ले सकते हैं, मतलब पैन में आप थोड़ा सा जीरा रोस्ट कर दीजिए और पनीर में डाल दीजिए। आप चिली का भी टेस्ट दे सकते हैं, एक हरी मिर्च काट के इसमें डाल सकते हैं। मेरे कई सारे दोस्त जो जिम में जाते हैं ना वो लेते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट, पर उनको ये नहीं पता कि आप घर पे ही बना सकते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट। जब भी हम पनीर को छान लेते हैं उसके बाद जो पानी बचता है दैट इज वे प्रोटीन आइसोलेट। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पनीर बन चुका है, अब हमें गैस बंद कर देनी है यहाँ पर। अब हम इसे छान लेंगे। अब पनीर की जो टैंगीनेस होती है ना उसे निकालने के लिए आप चिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं। इसे अच्छे से धो दे, दैट्स इनफ। अब आप चाहे तो आप पनीर को टांग भी सकते हैं या किसी अच्छे से भारी से किसी अपने डब्बे पे इसे दबा भी सकते हैं। होता है ना जो उसका एक्सेस वे होता है, एक्सेस पानी होता है, वो निकालना जरूरी होता है। एंड दैट विल टेक एटलीस्ट एन आवर। पनीर को स्क्वीज मत करना कभी भी, उसे अपने आप पानी निकालने दीजिए। गिव पनीर सम टाइम। इस वे को गलती से भी ना फेंके, दिस इज एक्सट्रीमली हाई इन प्रोटीन। आप चाहे तो आटे को गूंथते वक्त भी इसका यूज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक अ प्रोटीन शेक एज वेल। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पनीर को एक प्लेट में ले लिया है और इस पे हम डाल देंगे एक भारी सा वजन वाला कोई भी डब्बा। सो धीरे धीरे विद इन एन आवर पनीर अपना एक्सेस पानी छोड़ देगा और फिर हमारा फ्रेश पनीर तैयार है। तो 1 घंटा पूरा हो चुका है, अब देखते हैं हमारे पनीर का क्या हाल है। तो हमारा पनीर तैयार है। As you can see this, it's super soft.
ta-da! तो हमारा घर पे बना फ्रेश पनीर तैयार है. Isn't it beautiful? तो देख क्या रहे हो, बनाओ फिर और बताओ मुझे कैसे लगी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेरा नाम है वनराज गढ़वी, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट की दुकान. साइनिंग ऑफ.